अच्छा आप बताइए, आप अपने करियर और घर को, मतलब वो जिम्मेदारियां थी वो कैसे संभालती थी? एक तरफ करियर है और एक तरफ घर। घर भाई औरत के लिए तो घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे नहीं लगता है कि घर की कोई जवाबदारी मैं नहीं निभाती होगी, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीडी हूँ काम करने में, हो ही जाता है ना। क्योंकि अगर आपको दोनों बाजू जाना है तो काम में आपको फास्ट रहना, जैसे इन्होंने कहा टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है। और मैं प्लान कर लेती थी, हर चीज प्री प्लान्ड रहती थी कि अभी आज ये करना है, ये करना है। और सपोर्ट भी रहता था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। सो नाइस, वेरी नाइस। और आज आपके करियर में एक अच्छे मकाम पर है। हाँ, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये करते हैं तो वो नहीं छूटना चाहिए, तो ही हमें, मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। So nice. कि अगर मैं घर की जवाबदारी नहीं लूंगी तो वो तो कोई भी अपने एक ही चीज को तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। अच्छा भाई साहब, आप मुझे बताइए कि क्लिनिक एक उसका इंटीरियर बनाना, एक छोटी छोटी चीजें यू नो पता होनी जरूरी होती है। तो आपने कैसे इनका क्लिनिक, मींस आपने प्रोफेशनल की मदद ली, कैसे डिजाइन किया? बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे इंटीरियर डिजाइन का भी थोड़ा शौक रहा है, आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर। तो मैंने स्टडी किया इनका क्या क्या रहता है पूरा क्लिनिक में। अच्छा। जैसे केस हिस्ट्री लेते हैं, इनका केस हिस्ट्री लेने के इनके फाइल्स रहती है, फाइल्स का स्टोरेज कैसा होना चाहिए। फिर इनकी जो दवाई रहती है वो एक लिक्विड फॉर्म में आती है। और ये होम्योपैथी में देर आर मे बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, वो उसका एक छोटा छोटा ऐसा पॉकेट्स में रखते हैं, वर्टिकली रखना पड़ता है, लिक्विड गिरना नहीं चाहिए। फिर उसका ग्लोब्यूल्स होता है। एक्चुअली मैं अभी आधा डॉक्टर नहीं पर कंपाउंडर तो हो ही है। पूरा स्टडी किया मैंने, पूरा लेआउट स्टडी किया, दो तीन ऑप्शंस बनाए। तो मेरा लाइकिंग का भी फील्ड है, प्लस लाइकिंग के फील्ड के साथ उनका फील्ड का थोड़ा स्टडी करके देन आपको लेआउट, इट इज अ पार्ट ऑफ काम में लेआउट घुस के करते हैं, बहुत अच्छे दिल से करते हैं। भाभी जी, तो इन्होंने जो डिजाइन किया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अहम क्या? मुझे उन्होंने जो कैबिन में मेरी जगह सिलेक्ट की थी ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मेरी जो सिटिंग पोजिशन थी वहां से मुझे जो कौन आ रहा है वो मुझे दिख रहा था। स्पेशल कांच था, वो लोग नहीं देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ, ताकि अगर मैं अकेली लेडी हूँ तो मुझे सेफ्टी रहे। उसका भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा, हर चीज का ख्याल। मुझे पता चल जाता है कि कौन सी व्यक्ति आ रही है। तो हमारी आज यहाँ पे दोनों जो भाभियां हैं वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, ये आप मानेंगे। तो आप इनका जो सक्सेस है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस डिफाइन इन जनरल तो ऐसे है कि सपोज सक्सेस आपको रिस्पेक्ट है, आपका फाइनेंशियल भी होके है, आपको रिस्पेक्ट है, आपका अप्रिसिएशन है, फैमिली का लव सपोर्ट है, तो इट पास अ होल पैकेज टू द सपोर्ट। नहीं ये मतलब हर तरह से पेशेंट्स खुश हैं, परिवार खुश है आपका, यस, फाइनेंशियल सपोर्ट है, yes. वो एक अर्निंग, बड़ी अर्निंग हो जाती है, यस, सेटिस्फैक्टरी हो जाती है जी, क्योंकि पैकेज होता है पूरा एक सक्सेस का। और पेशेंट्स के साथ जो रिलेशन है ना, वो मेरा डॉक्टर पेशेंट जैसा नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। मेरा नाम सविंदर सिंह कपूर है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और मैं ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग करता हूं। मेरा नाम हरमीत कौर कपूर है, मैं भी मुंबई में ही रहती हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं और साथ में एक टीचर भी हूं। इनमें एक अच्छी आदत मैं बताना चाहूंगा कि ये काफ़ी केयर टेकिंग और एक अच्छी कुक भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं। और एक बुरी आदत इनकी ये है कि ये बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत प्यार करते हैं, और इनकी बुरी आदत है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हेलो, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं एज अ सेल्स मैनेजर। हाय, आई एम लक्ष्मी, मैं भी मुंबई से बिलोंग करती हूं एंड मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती हूं। इनके बारे में जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये मेरा, मेरे बेटे का और मेरे घर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। बुरी बात लगती है कि अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती है, मेरे लाख कहने के बावजूद भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये बताइए, अर्धांगिनी कैसे बनी, कहाँ मिले, प्यार हुआ कि अरेंज मैरिज है कैसे? नहीं, ओवरऑल अरेंज मैरिज है हमारा। अरेंज मैरिज है। हाँ, मतलब जो मेरी सिस्टर है, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, मेरी सिस्टर की ननंद के रिलेशन में ये आती थी, और फिर इनके भाई साहब और इनके पिताजी, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मेरे जीजा जी को कॉन्टेक्ट किया, और जीजा जी के साथ फिर वो आए थे मुझे देखने के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। आई वॉज इन ऑफिस दैट टाइम जी, एंड मेरा ऑफिस मेरे घर के पास था, तो थैंकफुली जीजा जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो ऐसा, ठीक है जीजा जी, आप 10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ करके, और मैं मिलने के लिए आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देखने आया है।
और मैं जस्ट घर पहुंचा, जिया जी ने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया इनके डैडी से और भैया से, फिर मुझे बताया कि ये देखने के लिए आए हुए हैं, शॉक्ड फॉर मी। तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है, इनके पेरेंट्स को और इनके भैया को, मैं नॉर्मली उस समय बातचीत में या जो भी बोल ले, उनको पसंद आ गया था। तो उन्होंने बोला एक फोटोग्राफ्स मिलेगा, तो मेरे पर्स में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, पासपोर्ट के साइज का फोटोग्राफ्स, वो मैंने उनको दिया। जी कपूर साहब, हमारे भी इसी तरह की ऑर्थोडॉक्स जैसे शादी हुई है, कोई मिले नहीं हम लोग भी कोई शादी में। हमारा भी मतलब मेरे जो मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनका आपस में मतलब रिलेशन थे, पूना से हैं ये, मेरे नाना जी भी पूना के ही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बात कर दी, भाई मेरा ऐसा है बेटी का, भाई दोता वहाँ पे है थाना में है, तो ऐसे बात चला दी वहाँ पे, हमको कोई पता नहीं कुछ नहीं है कि बात चला दी है कुछ नहीं पता, उन्होंने अरेंज कर दिया। हमारे में गुरुद्वारे में दिखाने का करते हैं, गुरुद्वारे में उन्होंने अरेंज कर दिया होगा, गुरुद्वारे में बैठे, ये भी आई, इसने भी घूंघट ऐसे ही निकाला हुआ, गुरुद्वारे में आके बैठ गई। अब हम बैठे हैं एक 40-50 फीट का तो डिस्टेंस है, ना मेरे को दिख रहा है ना कुछ है ना समझ, मैं झुक झुक के देख रहा हूँ भाई दिखे ये कुछ दिख रहा वो याद करके भी अभी बहुत हंस रही है, बहुत मजा रहा है। वो तो दिखे नहीं, इनकी चाची थी, बोला गया वापस से, तो मेरे को चाची पूछती है देख लिया, बोला चाची जी मेरे को तो दिखा नहीं कुछ, वापस एक टाइम देखना चाहता हूँ। बोलते अच्छा फिर से मिलना है, बोला हाँ, बोले ठीक है, फिर बैठा दिया और फिर मैं वहीं बैठा हूँ। बोला अब क्या है, कोई चारा तो है नहीं भाई, सबको पूछा भाई ठीक है, बोलते हाँ ओके, बोला ठीक है फिर, ठीक है सबका ओके है, तो बस वहीं फिर मिठाई वगैरह खिलाई और हो गया, बात पक्की हो गई। अच्छा पहली बार कब देखा क्या? हाँ, इन्होंने एंगेजमेंट के टाइम पे ही। हाँ। और उसी टाइम स्टेज चढ़ते ये सामने थी, तो मैंने इशारा किया तो वो भी कैप्चर हो गया भाई इसके अंदर, कैमरे के अंदर। मैं फिर मौका ढूंढ रहा था, एंगेजमेंट हो गई अब तो कुछ मिलने का बहाना बने या कुछ है, तो हम लोग में भी ड्रेसेस लड़की के हमारे तरफ से सिलते हैं और हमारे ड्रेसेस कुछ वो ड्रेस देते हैं शादी का, मैंने इसके ड्रेसेस वगैरह लिए, पूना गया, जैसे मैंने बेल मारी नाना जी का, तो देखते खड़े हो गए, तू यहाँ कहाँ आ गया? मैं बोला अरे नाना जी खबरदार, तू आया क्यों इधर पहले कपड़े लेके? बोला नाना जी कपड़े उसके लेके, कपड़े यहाँ रख दे और शाम की गाड़ी पकड़ के वापस चला जा। वहाँ पे भी फोन, मैंने इसको फोन किया था, मैं बोला आऊँगा तेरे को मिलूंगा मैं कॉलेज के इधर किधर, ये वेट करती रही कि मैं वहाँ से रिटर्न शाम की गाड़ी पकड़ के फिर से वापस भी आ गया। कोई मिलने नहीं दिए कुछ नहीं, शादी के पहले कोई मिलना नहीं है कुछ नहीं है, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कोई बात नहीं, हमारी जो है शादी के बाद ही समझा है पसंद नापसंद सब कुछ। जान लेते हैं कि आप दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आप कितना अच्छा जानते हैं, और कुछ आपके बारे में जान लेते हैं कि आपके सोच आपके पार्टनर के लिए कैसी है। ओके तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, यार आप एक्टिविटी के लिए तैयार? एकदम तैयार। चलिए तो शर्मा जी ये पहले दे दे, ये लीजिए। ये दो तरह के प्लेकार्ड्स हैं, एक में लाइक है और एक में डिशुम है। डिशुम लाइक का मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है, और डिशुम वो चीज जो आपको टॉर्चर या आपको अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर एक कपल का नाम लेंगे, फिर आपको दिखाना है उस सिचुएशन के लिए या तो आप लाइक देंगे या डिशुम देंगे। ओके रेडी? आपकी पत्नी का हेयर स्टाइल दोनों का डिशुम? आपको अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं है? आज की बात नहीं, हमेशा की बात मतलब रखती, मुझे थोड़ा उलझे हुए मैसी वाल के साथ। चल रही है ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, तैयार हो निकल गए करके, और मुझे पसंद नहीं। भाभी जी के हेयर स्टाइल आपके पतिदेव का ड्रेसिंग सेंस आप बताइए, आपको खुद का ड्रेसिंग सेंस डिशुम लगता है? क्योंकि मेरा ड्रेसिंग से यही बताती है क्या पहनना है। इसलिए डिशुम। आप बताइए आपके पति देव का ड्रेसिंग से, हाँ इतनी शॉपिंग जो करते हैं। ओके ओके जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके पति देव का डांस आप बताइए। हस्बैंड का अच्छा है। अच्छा है डांस? वो अच्छा बोल रही है, आप डिशुम दे रहे खुद को? मेरे हिसाब से मैं उतना अच्छा डांस नहीं करता। आपने कहाँ दिखाया इनको डांस जो कह रही है अच्छा है? बहुत बार देखी इन्होंने। बच्चों का क्या रिएक्शन होता है आपकी शॉपिंग? बच्चा भी तो मेरे पे ही गया है ना, छोटा वाला। वो तो मेरे से अभी दो कदम आगे है। ऊपर रखो। बड़ा वाला मेरे जैसा है, वो रोकते रहता है, वो छोटे को छोटा बोलता है चुप कर तेरे को चाहिए तो तू भी बोल, मैं भी ऑनलाइन शॉप करके ऐसा हिसाब है उनका। अच्छा बार्गेन करते हैं? नहीं मैं बार्गेन नहीं करता, ये करते हैं। आप करती हैं? मैं तो जान ले लूं सामने वाले की, सामने वाला ले जा मैडम फ्री में ले।